बंगाल में, पूर्वी बंगाल में किसी अच्छे समृद्ध ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनकी धर्म में प्रवृत्ति थी। स्वाभाविक रूप में वहां पर घर में रह करके उन्होंने अध्ययन किया और ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद में बड़े सुंदर लेखक थे, किसी पत्रिका में भी और कौन पत्रिका किसी पत्रिका के एडिटर संपादक भी थे। जब
प्रभुपाद के कुछ भक्तों उनके गांव में गए और उन्होंने प्रभुपाद की महिमा सुनी तो प्रभुपाद का रूप उन पर चढ़ गया और वो फिर मठ में चले आए और प्रभुपाद जी का पादाश्रय किया, उनसे दीक्षा शिक्षा सभी ग्रहण की। प्रभुपाद ने उनका नाम प्रणवानंद ब्रह्मचारी रखा और सबसे पहले उनको नदिया प्रकाश के एडिटर के लिए नियुक्त किया। बहुत दिन तक करते रहे, फिर उन्होंने मासिक गौरीय पत्रिका का भी उन पर भार दिया और उन्होंने निर्माण किया। बड़े सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रभुपाद ने उनकी योग्यता देखकर उनको महामहोपदर्शक की पदवी दी। ये पाठ करते थे भागवत या वक्तृता करते थे तो आंख बंद कर किसी को देखते नहीं थे, बोले कृष्ण का ही दर्शन करते हुए और वक्तृता करते थे। कौन पूछ लिया, कौन यहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पूछे। इस प्रकार से प्रभुपाद के समय तक विभिन्न पदों पर रह करके अपने गुरु जी की सेवा की। प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद में गौड़ियो मठ में कुछ बात विवादित तैयारी हुआ, जैसे प्रभुपाद के अधिकांश योग्य और प्रवीण शिष्य गौड़ियो मठ को बाध्य हुए छाड़ने के छोड़ने के, ये भी छोड़ करके हम लोगों के मठ में भी चुचड़ाने गुरु जी के पास में रहते थे। पहले शायद उन्होंने संन्यास किया था उड़िया युग में, वैखानस महाराज जी से प्राचीन प्रभुपाद के सन्यासी राजपंडित और बड़े विद्वान संस्कृत के थे, उनसे उन्होंने लिया और हमारे मठ में आए। उस समय में गुरु जी ने उनकी सेवा का भार हमको दिया और मैं उनको खिलाने पिलाने का सब कार्य करता और वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया करते तो मैं उनका उत्तरी और परिमाश इत्यादि लेकर के और कमंडो रूल लेकर के जाता और स्नान करके फिर उनके साथ में आता था। एक दिन हमारा पूर्वाश्रम का मैं लोटा हमारे पास में था और तो सब छोड़ी दिया था, तो उसको लेकर के गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे तो लोटा वो द्वार आया और उसमें पक करके ना जाने कहां चला गया। तो पूरी महाराज जी हंसने लगे, हमारे का ये अच्छा हुआ, हमारे पूर्वाश्रम का ये लोटा था ये चला गया, अच्छा हुआ। इस तरह से उनके पास रहता था। इसके बाद में वो पूज्यपाद नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पास भक्ति करीब माधव महाराज जी गोस्वामी के साथ में रह करके प्रचार करते थे और उनकी पत्रिका क्या थी चैतन्य वाणी में वो पूरा लेख वही करते थे, उसका संपादन करते थे और जहां जाते थे उनके साथ में जुड़ जाते थे। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कांगला में एक मठ स्थापन किया और फिर मायापुर में भी गोपीनाथ गौड़ीय मठ, वृंदावन में भी एक गौड़ीय मठ गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना। बड़े अच्छे लेखक थे,
जगन्नाथपुरी में भी, मैं जगन्नाथपुरी में मैं जब भी जाता था, कहीं भी रहते थे, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे मायापुर में, चाहे पुरी में, मैं त्रिभुवनपुर से भेंट करता और अपनी प्रकार से पुस्तकें उनको देता था। वो कहते थे कि आप जो कुछ प्रकाशित करें हमको जरूर, और पढ़ दे करके बड़े खुश होते थे। तुमने हिंदी भाषा में इतनी पुस्तकें निकाल रहे हो, तुमको हमारा विशेष विशेष आशीर्वाद है, और स्नेह करते थे। तो मैं भी ऐसा ही, जब कोई हिंदी पुस्तक प्रकाशित हुई, उनके हस्त कमलों में अर्पण कर देता, बड़े खुश होते। जब अंत में, अंतिम समय में बोलचाली बंद हो गई, तो मैं उनको दर्शन करने के लिए पूरी मठ में गया। वो चुपचाप सोए हुए थे, किंतु मैं गया। मैंने कहा, जैसे मैं आपका सेवक नारायण महाराज आया हूँ, आप खोल दिया और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने थोड़ी सी उनसे बात की, उसमें बात करना उचित नहीं, तो भी उन्होंने पूछा, हमने बताया। इसके बाद में उनको प्रणाम किया और उसके दो एक दिन के बाद भी मिल सकता और प्रकट परिणाम। आज उनके हम इस स्थिति पर उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो हम सभी पर कृपा करें कि हम लोग विश्व भक्ति का उन्हीं के समान प्रचार कर सके, और वैसे ही गुरु निष्ठा हम लोगों ने ली। हमारी गुरु महाराज के बहुत सुंदर थे, गुरु महाराज जी उनको बहुत स्नेह करते। गुरु महाराज सबके विनोदकार थे, वो विनोदकार ही कहा करते थे, और कुछ नहीं, चाहे सन्यासी हो चाहे जो हो, बस विनोदकार विनोदकार ऐसा ही करते। और गुरु महाराज किसी से प्रसन्न होते उनको आत्मीय स्वरण जैसा कोई महाराज वो ऐसा नहीं, विनोदकार करते। सभी लोग गुरु महाराज को विनोदकार ही कहा करते, अभी भी बातचीत में विनोदकार। मायापुर में अभी भी मुसलमान और दूसरे लोग जो भी हुए बचे हुए हैं, विनोद बाबू उनको कहा। तो पूरी महाराज जी की जय हो। है यहाँ पुराने से भी बोलेंगे माधव प्रिय
World Press Daily Spiritual Newspaper, the Nadia Prakash, announced sometime towards the editorship of the monthly Patrika magazine. Fluid behavior was very soft and gentle, and Shivaki Siddhanta Saraswati Thakur gave him the honorary title Mahama Upadhyasa, one who gives, who is qualified to give instructions. When he would speak Hare Katha, his eyes would be closed. That's when he would be having the darshan of Krishna. Who would come and see him, who would get up and go? He had no idea. He remained completely in the service of his Gurudev. But after the disappearance of Srila Prabhupada, there was so much disturbance in the Gaudiya Mutt. Most of the main disciples of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur went here and there, especially when he came to our Padma Gurudev. That time he also, after taking sannyas from the very famous Raj Pandit, Sri Vaikunas Maharaj, he came to Chichur Gaudiya Mutt. That time Sri Gurudev was there, as well as Padma Gurudev. Sri Gurudev said, I was given this chance by my Gurudev to serve him in terms of his eating, sleeping, drinking, all this, washing his cloth, all those services I used to perform. Especially he would take bath every day in the Ganga. He would take, Gurudev said, I would take his glove and his gamcha. Especially one day, Gurudev had brought from his former ashram one drinking water. So Srila Purimad Guru was joking with him about that mota. That is your last attachment. So when Gurudev went to take bath, he kept the mota on the bank of the Ganga. And when he came back, some wave from the Ganga had taken away the mota. Therefore, Srila Purimad Guru always used to laugh. Oh, the Ganga took away your last attachment. Very nice. So he stayed there for some days, some months, sorry. Then he went to Pujapal and Chilita Parishita Bhakti Daita Madhav Maharaj. And he preached with him, especially he took responsibility for all the publications of Chilita Bhakti Daita Madhav Maharaj, especially their monthly magazine, the Gaudiya Vani. He established Chaitanya Vani. He established three main Gaudiya Vanis, one in Jagannath Puri, one in Mayapur, and one in Vrindavan. Good is it, no matter what I was doing, if I had the chance, I would always go to his darshan. And whenever I went, I used to give my Hindi books to him. One time Gurudev said that one time Srila Purimad was angry at Gurudev, and he cursed Srila Gurudev. You are useless. All you can do is write books. So Gurudev said that when he would give a book in the hand of Srila Purimad, he said, this is the result of your curse, Maharaj. So whenever he used to see those Hindi books, he used to become very, very pleased and would give special blessings to me. So whenever he saw me, he was always very pleased. Especially in the last part of his pastimes, when Guruji went there, his eyes were completely closed. So Guruji was in India. I am your servant, Narayan Maharaj has come. Then he became very happy. Even though the doctors were forbidding him to talk, and they had some long discussion, and Guruji asked some questions. And after that, he closed his eyes and did not talk to anyone. And 2 or 3 days after he left, on this very day, 1999. Therefore, we pray that they give us all mercy. Especially Gurudev said, I'm requesting him to give me the blessings that I can preach this current of pure devotion everywhere. He was very, very affectionate. Padmaji and Srila Purimad had a very affectionate relationship. Therefore, even after Padmaji's sannyas, then Srila Purimad would always call him Vinoda, means big brother Vinod. Therefore, Gurudev said, even the Muslims of Mayapur used to call him Vinod Babu. Therefore, all of his godbrothers had such a sweet relationship with Bhakti, with our Padma Gurudev. एक सौ से ऊपर की उनकी उम्र एक बार इस्कॉन के लीडर लोग उनके पास में गए और बोले नारायण महाराज मथुर रस की बातें करते हैं प्रचार करते हैं
आप कभी दशम स्कंध इत्यादि पाठ करते हैं, इसलिए आप पढ़िए कि नारायण महाराज हमारी परंपरा जैसे नहीं है, ये परंपरा से बाहर रख करके प्रचार कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद थे, उनके गुरु जी थे और सब लोग थे, उससे बाहर ये प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा कि तुम लोग उनके प्रति अपराध कर रहे हो, वो हमारे संप्रदाय का गौरव है, बहुत विद्वान है, हमारे संप्रदाय का सिद्धांत बहुत निपुण है और विशेष करके हमें हिंदी क्षेत्र में इसका प्रचार कर रहे हैं, तुम लोगों को और उनके प्रति प्रीति रखनी चाहिए, तो तुम लोग ऐसा भाव की जो रखता है करके बोल रही होकर के रूप से ले Some years ago, some Eastern leaders, don't want to mention any names, they came to Srila Puri Maharaj and were complaining against Srila Gurudev. They were saying, this Narayan Maharaj, he speaks only on the topics of the gopis, and he always gets lessons from the 10th canto, the Srila Bhagavatam. Therefore, please, you should tell everybody that he is not a good gopi, and he is outside the line of our previous acharyas. That time, he gave me Ashirvad. खदेड़ने के लिए
खदीबन या खदेबन, और वहां पर बहुत से खदीब पानी जो दिया जाता है उसका बन था वहां, इसलिए भी उस नाम का उसका नाम खदीबन हुआ। वहां पर चैतन्य महापुरुष से पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी और कुमार गोस्वामी वहीं पर एकांत में निर्जन में रहते थे। कुंड के पास में कृष्ण कुंड है और वहीं पर भजन करते थे। बिना मांगे हुए जो कुछ आ जाता उसी को ग्रहण करके अपना किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे, दिन रात भजन करते। उसके पास ही में, उनकी कुटी के पास ही में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसको राक्षस स्थली कहते हैं। भाई पर कृष्ण ने गोपियों के साथ में राज किया। इसके बाद में हम लोग जावट में आए। जावट श्रीमती राधिका जी का और उनके सहयोगियों का यह ससुरालय था। जावट विवाह तो होना चाहिए था कृष्ण से राधा जी का, किंतु जो मैया ने अभिमन्यु के साथ में करा दिया और अभिमन्यु को भी नपुंसक बना दिया, और उसका भाई था दुर्बल, उसे ललिता जी की शादी और अनंत मंजरी की शादी और गोपियों की वहां पर शादियां हुई थी, सभी वहीं पर मिल करके रखी थी। वहीं पर विष्णु महाराज ने अपनी बेटी के लिए सुंदर राजमहल बना दिया था, जिसको कंदर कुंज भी कहते हैं। वहां पर राधा कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, शायद उसका वर्णन उन लोगों ने किया है, अब उसको जो बनाने की जरूरत बोली। और लोगों ने भी बोला ठीक है, तो स्थान हमारे संप्रदाय का बहुत गौरव है। बहुत से ब्रजवासी लोगों का उन लोगों की धारणा है कि राधा और कृष्ण के साथ में शादी हुई, अभिमन्यु के साथ में शादी हुई थी, ऐसा नहीं मानते वो लोग। ये समझते हैं खंडीर बन के साथ पास में राधा और कृष्ण की का विवाह हुआ, किंतु विवाह नहीं हुआ, गांधर्व विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ में गांधर्व विवाह कराया। यदि विवाह होता तो राधिका जी अपने ससुरालय में जाती, वो तो कभी ससुराल रहने गई नहीं। जावट भी किस लिए रहती थी, यदि विवाह हुआ तो कृष्ण का सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि से विवाह हुए, उनको 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुए, तो यहां पर भी उनको बच्चे होते। जब वो हंडीरभट्ट में साल गांधर्व विवाह हुआ, उस समय कृष्ण भी बच्चे थे, राधिका जी भी बच्ची थी, गोदी में नंद बाबा कृष्ण को लेकर के गोचारण देखने के लिए जा रहे थे। मेघ चारों तरफ छा गया, अंधकार हो गया, और साथ ही साथ में देखा कि छोटी सी कुमारी राधिका जी आई है और ऐसे हाथ पसार करके हाथों में ले गई।
इसलिए विवाह संभव बात नहीं है। ललिता इत्यादि की का कृष्ण से विवाह हुआ, उनका भी विवाह किसी से भी नहीं हुआ। ललिता जी के पति का नाम दूसरा है, विशाखा जी का पति का नाम दूसरा है, रूपमंजरी के पति का नाम दूसरा है, इसलिए ये पार्टी अवतार रोग से इस लीला को विशेष रूप से आस्वादन करने के लिए यद्यपि राधिका जी और गोपियां कृष्ण से अभिन्न है, अलग नहीं है, और ये गोपियां कृष्ण ही है, लीला के लिए राधा जी के रूप में प्रकटित है, और ये गोपियां राधा जी की काय रूप है, इसलिए जब पात्र में तत्व की दृष्टि से तो उन्हीं ही है, किंतु पार्टी भाव में रस का उल्लास होता है, इसलिए सभी गोपियां उनकी पार्टी भाव ये केवल जावट में ही, इसलिए अन्य संप्रदाय के लोग जानते हैं किंतु वो शायद जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, किंतु हमारे संप्रदाय के लोग जरूर जानते हैं और श्रद्धा की दृष्टि से। तो आप लोग अजावट में गए, वहां पर कृष्ण ने कैसे राधा जी कृष्ण जी का राधा जी का मान भिक्षा किया, किस प्रकार से कृष्ण एक भक्त में बंद होकर के गए और भी अपने पति के सिर पर चढ़ करके लेकर के गए वहां, किस प्रकार से सुबल सखा को भेजा और राधा जी को सुबल सखा बन करके और वो कृष्ण को भेजा, ये सब बहुत प्रकार की लीलाएं हैं जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने चमत्कार चक्रिका में वर्णन किया है और भी लीलाएं उनकी वर्णन। इसके बाद में आप लोग कोकिल बन गए, कोकिल बन में दो कुंड है, वहीं पर कृष्ण कुहू करते और राधिका जी अपने सहेलियों के साथ में जटिया का आदेश लेकर के आई, मैं कुकू जो बोल रही है कोयल, मैं देखने के लिए जानी कि कोयल कैसी है, और यहाँ आकर के कृष्ण से उनका मिलन होता। छोटी बड़ी बैठा ये बाल बालों की गोपों की वहां पर सभा बैठती थी और कृष्ण के लिए विचार होता था कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए, बड़ी विपत्तियां इत्यादि है और सब बातों के लिए बैठक चरण पहाड़ी में वो चालू करते हुए कृष्ण ने बंसी बजाई, सारे पत्थर निकल गए, गायों के चिन्ह, ऊंटों के भी चिन्ह है, हिरणों के चिन्ह है, सखाओं के पैर के चिन्ह है, कृष्ण के लंबे लंबे पैर भी हैं, पैर पत्थर भी ढल गया, इसलिए छोटा पैर भी वो बड़े आकार के और पास ही में चरण कुंड है, उसको क्षीर सागर भी कहते हैं, पहले बाढ़ पानी दिखा था, आज तो खराब हो गया। इस प्रकार से सबको कर करके आप लोग यहाँ पर लौटे हैं, काफी क्लांत हो गए हैं और पूरी भोजन की तीन जगह ने किया, खजीर बन में पूरा पेट भर करके खाया, रोटी दूध और ये सब मट्ठा, और वहां से आते ही चढ़ पहाड़ी में मालपुआ, खीर, सब्जी, चावल, कढ़ी सब पेट भर करके खाया, कुछ बाकी नहीं रहा तो आते आते कोसी में चावल दाल परमान्न पूरी सब्जी पूरी रोटी और दस शाम
तो आप लोग खाएंगे नहीं। जैसे भी वो प्लांट को गए हैं आज के दिन तक सफा रहे, कल समापन का दिवस है वर्ष का, एक महीने या चार महीने पीछे करके एक महीने तक हम लोगों ने व्रत रखा। इसलिए रखा राधा जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रतिदिन नियमित रूप में हम लोगों ने दानवराष्ट्र और कृष्ण संबंधी, राधा संबंधी और दूसरे पदों का गायन किया, और प्रतिदिन कृष्ण की ही कथा का सवेरे शाम हम लोगों ने पाठ प्रवचन किया। अब कल व्रत पूर्ण हो जाएगा, हवन किया जाएगा, और जो चीजें नहीं चलती थी, टमाटर, बैगन, लौकी, बरबटी, वो सब चीजें तब से चली गई। किंतु एक बात याद रखती हुई, गुरु महाराज जो जिस प्रकार से नियमित से ये सब व्रत किया था, फाल्गुन महीने में नवदीप में परिक्रमा, इसके बाद में ज्येष्ठ के महीने में या आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा का होता है, और फिर कार्तिक में ये कार्तिक व्रत, और कहीं कृष्ण के धाम में जाकर के वहां की परिक्रमा इत्यादि करते थे। मैं भी उसी प्रकार से समस्त भक्तों को बुला करके उनको कुछ खड़ी में चांदी देने के जैसा बुला करके तीन तीन महीने के अंतर में बुला करके उनको भजन में प्रवृत्त कराने के लिए ये सब आयोजन करता हूं, जिससे कि आप लोगों का चित्त दुर्बल न हो जाए, सब समय भक्ति में लगा रहे। कभी कुछ दुर्भागा लोग इसका लाभ नहीं था, इसलिए हमने जो कुछ कथाएं पुराण की है, कृष्ण का पुराण पाठ जो वर्णन किया है, उसको अपने हृदय की शैली में लेकर के जाएंगे, और उसका चिंतन करेंगे कि क्या क्या कथाएं हुई, वो पुस्तकों के रूप में लिखी हुई भी है, उसको भी पढ़ेंगे। इस तरह से भजन करते हुए आप लोग कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करें। कल पंडा जी के लिए मिठाई नहीं दिया था, प्रणामी नहीं दी थी, वो लोग कुछ प्रणामी दे तो अच्छा है, जैसे कि अंत फलाओ तो सब फलाओ, those who have not given donation का पंडा जी गोवर्धन पंडा जी को विश्व प्राइज मिल रहे हैं। Today you mentioned, so firstly you mentioned Kadirvan. There one day when Prasad so half came up, he joined the group of Alucard with the intention to kill Krishna. But smelling him, they ran up the Alucard and run away, and they were killed by Sri Krishna there. Kadir means palm plant. Kadirvan. Also there is the Bhajan Star of Sri Lokanath Goswami. He went there before Mahaprabhu had to go down. That place was very uninhabited and silent place. And there on the banks of Krishna Kund, somehow or other he maintained his life and day and night engaged in Bhajan. There is one big field which is accepted as a place of Radha Krishna's Rasa Leela.
Then we went to Yavat. Yavat is a very important place in our Sampradaya. Srimati Radhika and her friends are married there and live in the houses of their fathers-in-law. Sri Radha Krishna's marriage was ready to be fixed, but Yogamaya at the last moment arranged Radhika's marriage with Abhimanyu and Ananda Manjari's marriage with Abhimanyu's brother, Dhruvman. Yogamaya made Abhimanyu a eunuch. Therefore, Vishwanamaya built for his daughter a very large palace. And this place, Yavat, is very important in our Sampradaya. Especially in Vrindavan, many Vrindavasis consider that Radha and Krishna are married. They do not accept or understand Radhika's marriage with Abhimanyu. And in support of this, they give evidence of Radha and Krishna's marriage at Mandirabad by Chakramukh Brahmaji. But really, this is not marriage, this is only Gandharva marriage. Otherwise, if Radha and Krishna are married, why is Radhika staying in Yala? Why is she not staying with her husband in Nandigam? Then why also, like Rupi in Satyabhama, has she not had 10 children with Sri Krishna? Therefore, at the time of Gandharva marriage, both Radha and Krishna were small babies. Therefore, where is the question of marriage at such an age? When Srinanda Baba went cow grazing, being afraid of a storm, he saw a small Radhika and gave Lady Krishna a hand in her hands. Therefore, where is the question of marriage? The Lisa Vishaka and the other Asasakis are also not married to Krishna. Their husbands are others. Therefore, Yogamaya arranges that the gopis are married with other gopis in order to nourish Parikiras, or the unwedded miller. There is no difference between the gopis and Krishna, and the gopis are simply bodily expansions of Srimati Radhika. Whether other sampradayas go to Yavat or not, Buddhism I cannot say, but it is definitely a major place for our sampradaya, and we should try to see it with the proper vision. We should have probably heard how at Yavat, Krishna came disguised as a yogi to beg the mind of Radhika, and Radharani emptied her plate full of ingredients on Krishna's head. We heard how Mother Yasoda was filling a big box full of ointments full to take to Radhika, and Krishna emptied out the ointments and hid in that box, and Abhimanyu carried it to Srimati Radhika's room. Today we heard how sometimes Subhadra comes inside and changes place with Radhika so she may go outside to meet with Sri Krishna. These are all explained by Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur in his books, Chamakara Chandrika. Then we went to Kokilaban. There are two big kurus there. And there Krishna used to call in the voice of a quail. Srimati Radhika asked Kuru and asked permission from Jatila Kutila. I want to go and see that astonishingly sweet singing cuckoo. Then she went out and met with Sri Krishna. We went to Baitan, where there is various assemblies of topics concerning Krishna. There at Chandrakahari, Krishna played his flute, and the rocks melted in ecstasy, because the rocks were soft when Krishna stepped in them, and the footsteps became very deep. There we saw where Krishna played the part of Sesh. At that time, that kund is now called Kiyasamudra. At that time, the water was very sweet, but now it is somewhat salty. Today, we ate puris three times. Therefore, tonight, meal will not be necessary. Therefore, today is the final day of our 4 months of Chaturmasya, or at least our 1 month of Kartik Vrat. For what reason are we maintaining these vrats? We are maintaining them for the pleasure of Radhika. For her happiness, we have chanted in a very structured manner different asticams, like Dhamara asticam, etc. And every day we have heard 2 lectures of Krishna Katha. Also, today, tomorrow, the appearance of a plant and other forbidden foodstuffs. Therefore, like my Padma Gurudev, or like our Padma Gurudev, he used to do every year 3 fixed parikrams in Navagri, Dham, Jagannath Puri, the Tanagrati Yatra, and this Kartik Vrat.
The prophet said, following his footsteps, I also try to follow in the same manner. That everyone's mind should not be weak, their hearts should not become overwhelmed by desires. They should come here and have their engine wound up. It's like putting in and wind up the door. So we should keep all this happy desire in our heart. And not only that, we should think and remember it. And we should also read the books of all this happy desire so we remain fresh in our minds and we can remain inclined towards Bhagavan. And today is, the Govardhan Pandit. Everyone knows that God has given something, can try to give something. Some gave yesterday, but many have not given. They've all been giving something for our Govardhan Pandit. Hare Krishna. So, tomorrow is our last day. So many devotees leave India and go their own country. So we would want to say goodbye and Rupanandu, they can go now. And tomorrow morning they will come in class. And there are some initiations also. So initiations will take place tomorrow 9 a.m. After that, we have to say clean head everything. So I request the devotee, they should not do some requests. Why I'm leaving just now, I want to take Dasana Gurudev. So I request them for all, they can do Pranam now. And tomorrow morning they will come in class and send them there. One more thing, as I have requested as before, the devotees, their living country, so about 40 Brahmacharis going for Bengal preaching for Navadi Parikrama. So it will be fair if they donate their sleeping bag, bus ride, and etc. It will be helpful for preaching for the devotees. One more thing, anybody wants that we will go for Dasam everywhere, but due to mental their health, I can allow that so many devotees may be absolutely missing us. Hare Krishna for you all, but it's my duty to go to Madhare. Hare Krishna. Hare Krishna. Shogunasa. Three passports are still with us. One is belonging to Madhuka from USA, one is for a Russian lady who knows Kayani, and one is for a devotee from Italy. Please pick up your passports, otherwise you have to stay. And today, as you all know, every day we are chanting the Mother Rastika on today, the wonderful translation of the previous Mother. You can take it with you to your countries, and every day again you can recite and study a beautiful commentary of Srila Sanatana Goswami's original commentary, and also Srila Gurudev's added comments, and Srila Bhakti Pratyanji Srila Maharaj's commentary. So please obtain this book before you leave. And make copies for your family. Oh. Sometimes 50%. We don't know the price yet, but around 100 rupees. Today, for the pleasure of Srila Gurudev and all the Vaishnavas, the beautiful house of Seva Kunji has arrived. Bhakta Vikas has led this for your temple, your mantra, your home. Thank you.